आइसक्रीम का काम करता हूँ। ओके। और मेरी जॉब जेसीबी में मैं कार्यकर्ता था। ओके। और COVID-19 के तहत वो डिपार्टमेंट चेंज होने के बावजूद मुझे 6 मंथ जॉब के लिए सफर करना पड़ा। ओके। फिर ये मेरा काम, बट आपको फिर जॉब नहीं मिली? जॉब नहीं मिली थी। ओके। और आज हम आए हैं भैया के पास, जिनका नीरज फूड आइसक्रीम के नाम से स्टॉल है। ये यहाँ पे आइसक्रीम सेल आउट करते हैं, जिसमें आपको राजभोग, बटर स्कॉच, काजू, केसर पिस्ता, चॉकलेट, ये सारी आइसक्रीम्स आपको मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पे भैया शेक, फालूदा वगैरह सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आइए मैं आपको भैया से बात करवा देता हूँ। ये 30 रुपये वाला फालूदा बन रहा है। भैया ने पहले लच्छे डाले हैं, ये आइसक्रीम डाली है और इसके साथ शेक डलेगा। शेक? हाँ जी। कौन सा शेक? काजू शेक होता है। ये भैया काजू शेक डाल रहे हैं। इसको फिर मिक्स करेंगे। ओके। मिक्स करने के बाद इसमें क्लोवर डालेंगे। ओके। और फिर चेरी वगैरह टूटी फूटी होती है वो डालते हैं। ओके। फिर कस्टमर को सर्व किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से रोज़ा डाल दिया भैया। और ये टूटी फ्रूटी होती है? ये टूटी फ्रूटी है। और ये आपका ग्लास रेडी हो गया। और इसका जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है। ये भैया है, यहाँ पे फलूदा बनाते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने भी टेस्ट किया है और यहाँ पे बहुत अच्छा फलूदा बनाते हैं भैया। और ये जो लोकेशन है, सेक्टर 7 की लोकेशन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीच मार्केट में लोकेशन है। ये लोकेशन पूरी देख लीजिए। और जो आसपास यहाँ पे रहते हैं वो आके टेस्ट कर सकते हैं। और भैया के साथ एक इंसिडेंट भी हो गया था ड्यू टू कोविड, भैया की जॉब चली गई थी, तो भैया ने न्यू ये ओपन किया है। तो भैया बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम उमेश कुमार है। ओके। और मैं नीरज फ्रूट आइसक्रीम के नाम से अपना फलूदा आइसक्रीम का काम करता हूँ। ओके। और मेरी जॉब जेसीबी में मैं कार्यकर्ता था। ओके। और COVID-19 के तहत वो डिपार्टमेंट चेंज होने के बावजूद मुझे 6 मंथ जॉब के लिए सफ़र करना पड़ा। ओके। फिर ये मेरा काम, बट आपको फिर जॉब नहीं मिली? जॉब नहीं मिली थी। ओके। और उस पेज पे ये मेरे पिताजी करते थे 35 साल से। फिर उसको मैंने इसको मॉडिफाई करा के अपने नए तरीके से और बेस्ट से बेस्ट आइसक्रीम और तैयार करके स्टार्ट किया है। नाइस। तो भैया ने अपना ये न्यू स्टार्टअप किया है। देखिए ई रिक्शा है, ये ई रिक्शे को डिजाइन किया हुआ है भैया ने। तो बनाइए भैया हमारा फलूदा, बनाइए फुल। हाँ, एक फुल बना दीजिए। ये भैया ने पहले लच्छे डाले। देखिए लच्छे डाले पहले, उसके बाद इसको हल्का सा मीठा करने के लिए ये चीनी शरबत होता है। ओके। शुगर सिरप? हाँ, शुगर सिरप। और उसके बाद अपनी रबड़ी आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम डाली है। और देखिए काफ़ी तरीके की आइसक्रीम पड़ी है यहाँ पे, ये डाल दी आइसक्रीम। उसके बाद हम इसमें शेक डालेंगे, जो कि काजू शेक है। और भैया के पास दो तरीके के शेक है, एक काजू है, एक बादाम शेक है। और ये देखिए क्वांटिटी देखिए, ख़त्म भी हो गई है भैया की, इतनी डिमांड है। अब भैया इसको आप रिफिल करोगे? या मेरे पास और भी है। अच्छा, दूसरे काउंटर में। अच्छा अच्छा। और उसको मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगा दोबारा। अच्छा, ये बैकअप के लिए, बैकअप के लिए होता है। ये भैया ने रोबजा डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। ये हमारी टूटी फूटी होगी। ये 50 रुपीज़ का है। भैया के पास दो ऑप्शन हैं इसमें, ये आपका 50 रुपीज़ वाला है और एक 30 रुपीज़ का आता है। थैंक यू भैया।
आइए मैं आपको टेस्ट करके बताऊँ। ये देखिए भैया ने इस तरीके से बनाया हुआ है, इसमें नीचे लच्छे डाले हुए हैं, ये काजू पिस्ता है, रोबज़ा है और आइसक्रीम है। ये मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आइए और टेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग तरीके की वैरायटी मिलती है, शेक भी मिलते हैं, फलूदा भी मिलते हैं और मिनिमम 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। और बताओ भैया, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? अगर आपको सभी भाइयों को मैं अब कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब एंड करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।